एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका क्राइसिस को लेकर के एक स्टेटमेंट जारी किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको एडीबी भी बोलते हैं, उसने एक स्टेटमेंट ये जारी किया कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ ट्विन डेफिसिट। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ट्विन डेफिसिट के बारे में जानना, क्योंकि ये केस स्टडी जैसा हो जाता है। तो आज हम लोग ट्विन डेफिसिट क्या होता है उस बारे में देखेंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा, 2 मिनट का। तो ट्विन डेफिसिट क्या है? ट्विन डेफिसिट मतलब, जैसे आपको लग रहा होगा, ट्विन डेफिसिट मतलब कुछ दो डेफिसिट होगा। तो ट्विन डेफिसिट में दो चीज़ें आती हैं। एक को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट और दूसरा होता है करेंट डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट और करेंट डेफिसिट को हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं कि क्या है ये, कि फिस्कल डेफिसिट और करेंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को अगर जानना हो तो ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी कोई कंट्री को ले लेते हैं, किसी कंट्री की अर्निंग है 100 रुपीज़, मतलब हाइपोथेटिकल ही है लेकिन तब भी 100 रुपीज़ मान लीजिए समझने के लिए, कि 100 रुपये किसी कंट्री की अर्निंग है और वो जो बजट बनाता है खर्च के लिए, तो वो होता है 120 रुपये। तो ये जो 20 रुपये घाटा है वो किस, उसको क्या बोलते हैं? उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। मतलब 20% क्या हो गया इसका? फिस्कल डेफिसिट। मतलब है तो इसके पास 100 रुपये का बजट और खर्च कितने का हो रहा है, जो बजट बन रहा है वो 120 रुपये का। तो 20% क्या है इसका? फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? करेंट डेफिसिट। तो करेंट डेफिसिट क्या है? मान लीजिए कोई कंट्री है, अब इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में या ग्लोबलाइजेशन जब ना भी रहा हो तब भी कोई भी ऐसा नहीं होता है, कोई भी देश सेल्फ डिपेंडेंट नहीं, सेल्फ सफिशियंट नहीं होता है। हर एक चीज़ में व्यापार एक बहुत पुरानी चीज़ हमेशा से आती रही है। तो ये ट्रेड को लेकर के, तो करेंट डेफिसिट मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंट्री है, अगर मान लीजिए आप एक कंट्री की, एज ए कंट्री आप कोई चीज़ खरीदते हैं 100 रुपये की, आपने खरीदी चीज़ 100 रुपये की और बेची आपने 80 रुपये की सिर्फ, तो इसमें भी आपको फर्दर 20 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि आपने को आपने खरीदा ज़्यादा, आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट आपने किया तो आपके पैसे गए, करेंसी गई, और जब आपने एक्सपोर्ट किया तो करेंसी आपके पास आई। तो एक्सपोर्ट आपने सिर्फ 80 का किया और ख़रीदा आपने 100 का, तो वहाँ भी माइनस आपको 20 लॉस में, तो 20% वहाँ भी है। तो श्रीलंका के केस में यही हुआ है, वहाँ पे एक तो फिस्कल डेफिसिट भी हुआ कि उनका खर्चा भी बढ़ा, बजट भी जितने कमाई है उससे ज़्यादा बजट हुआ, और करंट डेफिसिट उसमें ट्रेड में भी उनको सरप्लस नहीं मिला, मतलब नेगेटिव ही रहा, कि उन्होंने खरीदा ज़्यादा और बेचा कम। तो इसीलिए कहा गया, इसके लिए मतलब श्रीलंका क्राइसिस को लेकर के बोला गया कि इट इज़ अ क्लासिकल केस ऑफ ट्विन डेफिसिट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि अभी किसी बड़े बैंक ने, एडीबी ने बोला है, तो ये चीज़ें टर्म हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। ओके।